हेलो ऑल। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ट्रेड साइकिल देखेंगे। ट्रेड करने के लिए फर्स्ट अपने को इनिशियल मार्जिन लाना रहेगा, देन बाय और सेल पोजीशंस ओपन होंगे आपके। वंस पोजीशंस ओपन हो जाएंगे देन यू हैव थ्री ऑप्शंस। आइदर आप उसको स्क्वायर ऑफ कर सकते हो, या फिर रोल ओवर करके नेक्स्ट मंथ में लेके जा सकते हो, या फिर आप फिजिकल डिलीवरी में जा सकते हो। और जो भी पोजीशन रहेगा टिल द टाइम आपको डेली मार्क टू मार्केट जो भी रहेगा वो सेटल करना रहेगा। सो फर्स्ट हम लोग देखेंगे फंड सेटलमेंट। सो इन फंड सेटलमेंट जब भी आप पोजीशन लेंगे उस दिन ईओडी में एनसीसीएल के पास से ईच एंड एवरी मेंबर्स को, मतलब जिनका भी पोजीशन है उनको ऑब्लिगेशन फाइल जाएगा। उसमें उनको पता चलेगा उनका जो भी डेबिट या क्रेडिट है वो, मतलब पे इन पे आउट जो भी डिटेल्स है वो उस फाइल में जाएगा। देन ऑन टी प्लस वन, अगर एम टू एम है तो टी प्लस वन को मेंबर को अपने क्लियरिंग बैंक को बताना रहेगा और क्लियरिंग बैंक एनसीसीएल को फंड कंफर्म करेंगे थ्रू बैंक फाइल्स एंड द सेम वे में क्रेडिटर को रिटर्न जाएगा। करंटली वी हैव 12 क्लियरिंग बैंक्स विद अस एंड टोटल 6 बैंक रन्स होते हैं ड्यूरिंग अ डे। डिफरेंट डिफरेंट सेट फंड्स से रिलेटेड ट्रांजेक्शन उसमें कवर किए जाते हैं, जिसमें आपका सबसे पहले एम टू एम पेन जो होता है वो बिफोर मार्केट आपको क्लियर करना होता है, दैट इज 8:30 AM का फर्स्ट बैंक रन होता है वहां पे। नाउ कमिंग टू द फिजिकल डिलीवरी सेटलमेंट, जब भी आप ऑप्शन जाते हो कि मुझे फिजिकल डिलीवरी के लिए जाना है, तो फिजिकल डिलीवरी लेने से पहले आपके पास आपका NERL के थ्रू ई रिपोजिटरी अकाउंट होना जरूरी है। तो सिर्फ सीएम का अकाउंट ओपन करके नहीं चलेगा, क्लाइंट का भी अकाउंट होना चाहिए। जो क्लाइंट का फिजिकल डिलीवरी लेना चाहते हो तो उनका बेनिफिशियरी अकाउंट भी आपको ओपन करना पड़ता है। ये स्लाइड में हम देखेंगे कि बेसिकली जब भी फिजिकल डिलीवरी लेना है तो उसके पहले वेयर हाउस में आपका कमोडिटी कैसे आपका बुकिंग होगा और क्या प्रोसेस रहेगा कमोडिटी डिपोजिट करने का। सबसे पहले आपको ऑनलाइन स्पेस बुकिंग करना होता है, जो भी आपका रिस्पेक्टिव वेयर हाउस रहेगा लोकेशन का वहां का, आपको कंफर्मेशन मेल आएगा। उसके बाद आपका आप जो भी कमोडिटी है वो पर्टिकुलर लोकेशन पे आप भेजेंगे। सबसे पहले आपका वेटेज होता है वो कमोडिटी का, देन जो आपके लॉट्स है उसमें से रेंडम बेसिस पे सैंपल्स कलेक्ट किए जाते हैं और एज पर प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशंस आपका वो सैंपल का ये होता है, मतलब चेकिंग किया जाता है कि वो एज पर प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन है या नहीं, कौन सा ग्रेड का माल है वो सब चेक किया जाता है। एंड देन वंस आपका कमोडिटी अप्रूव हो जाता है तो उसका एंट्री होता है और उसका एक कंफर्मेशन ईमेल जाता है आपको। तो ये प्रोसेस में आपका जब आपका कंफर्मेशन ईमेल आ जाएगा तब जाके आपका कमोडिटी आपको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। अभी आपका एक बार इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्जन हो गया है तो उसके बाद आप डिलीवरी के लिए फिजिकल डिलीवरी के लिए आप ऑप्ट कर सकते हो। तो जनरली अपने मेजर कमोडिटीज बेसिकली टू मेथड्स अवेलेबल है मार्केट में, वन इज स्टेगर डिलीवरी एंड द सेकेंड इज इंटेंशन मैचिंग। सो इंटेंशन मैचिंग कॉन्ट्रैक्ट में कैसा होता है कि जो पीरियड रहेगा स्टेगर्ड सॉरी इंटेंशन पीरियड, तो वो पीरियड में बायर और सेलर दोनों को इंटेंशन देना होता है लोकेशन से। फॉर एग्जांपल अगर मैं कैस्टर का अगर एग्जांपल लूँ तो मुझे वहां पे अगर समझो मेरे 10 लॉट मुझे जाना है, बेसिकली कैस्टर अपना इंटेंशन मैचिंग में नहीं है, सिर्फ जस्ट एन एग्जांपल दे रहा हूँ। तो वहां पे मुझे अगर 10 लॉट का करना है तो 10 लॉट फिर दिशा लोकेशन मुझे डालना रहेगा, वैसे आपको आपका इंटेंशन देना पड़ेगा। ओके ये मतलब इंटेंशन मैचिंग में जब भी बायर और सेलर दोनों के लोकेशन और क्वांटिटी और कमोडिटी ये तीनों कॉम्बिनेशन मैच होंगे तब भी ही आपका जाके वो सेटल फिजिकल सेटलमेंट में जाएगा, वरना ऑन द एक्सपायरी वो कैश सेटल हो जाएगा। नाउ कमिंग टू द सेकंड इज स्टेगर डिलीवरी। तो स्टेगर डिलीवरी में कैसे होता है कि आपको एक्सपायरी से जस्ट फ्रॉम द नवंबर एक्सपायरी स्टेगर पीरियड का टाइमिंग चेंज हो गया। अभी अक्टूबर तक कैसा था कि स्टेगर का टाइमिंग था 11 एवरी मंथ का 11th से आपका स्टेगर पीरियड चालू होता था टिल द एक्सपायरी, और आफ्टर नवंबर आपका जो स्टेगर पीरियड है मतलब फ्रॉम नवंबर 2019 एक्सपायरी ऑनवर्ड्स
वहां पे आपके लास्ट ट्रेडिंग लास्ट 5 ट्रेडिंग डेज होंगे जो इंक्लूडिंग एक्सपायरी रहेंगे, दैट इज योर टेंडर पीरियड और स्टेगर्ड पीरियड के, जहां पे आप अलोग इंटेंशंस दे सकते हैं। नाउ 5 डेज को कैसे हम लोग कंसिडर करेंगे, तो से फॉर एग्जाम्पल अगर आपका 20 इज योर एक्सपायरी, 20, 19, 18, 17 एंड 16, इस तरीके से आपका 5 दिन आएगा, दैट इज योर ट्रेडिंग डेज। ओके, तो वो 5 दिन में आप इंटेंशंस दे सकते हैं, आप आपको फिजिकल डिलीवरी में जाना है तो। ओके, और इंटेंशंस जो है बेसिकली प्रेफरेंस ज्यादातर सेलर को होता है, फर्स्ट प्रेफरेंस सेलर को होता है कि सेलर को कौन से लोकेशन से अपना माल फिजिकल डिलीवरी के थ्रू सेटल करना है, तो वो इंटेंशन सेलर के पास से आना चाहिए मतलब इसका। और बायर भी अपना इंटेंशन दे सकता है कि मुझे कौन से लोकेशन से चाहिए, वो प्रेफरेंस बायर दे सकता है, पर इट इज नॉट नेसेसरीली कि अगर बायर ने अगर कोई पर्टिकुलर लोकेशन दिया तो उसको उसी लोकेशन से माल मिलेगा। अगर उसके उस प्रेफर लोकेशन पे अगर कोई सेलर रहेगा तो ही उसी उस बायर को उस लोकेशन से अलोकेट होगा, वरना फिर रैंडम बेसिस पे जो भी लोकेशन रहेगा बायर अलोकेट किया जाएगा। वो बेसिकली अपना जब भी ये सेटलमेंट होता है ऑन द डे ऑफ, से फॉर एग्जाम्पल मैंने 16 को मैंने इंटेंशन दिया मेरा, तो मेरा अंडरलाइन जो लेटेस्ट स्पॉट प्राइस रहेगा दैट इज माय एफएसपी फॉर दैट पर्टिकुलर अलोकेशन डेट, तो उस प्राइस से मेरा जो भी है वो पूरा कैलकुलेशन जाएगा। और अपना फिजिकल डिलीवरी होता है ऑन T+2। नाउ डिलीवरी इंटेंशंस आप कैसे कैसे देंगे और कहाँ से देंगे और क्या टाइमिंग है, आप डिलीवरी इंटेंशन NCFE के पोर्टल के थ्रू दे सकते हैं। आपका ड्यूरिंग स्टेगर पीरियड मतलब जो लास्ट 5 वर्किंग डेज है एक्सपायरी से, वहां पे आप टिल द डेट एग्री कमोडिटीज जो है अपने जो 5 बजे अपने मार्केट क्लोज होते हैं वो कमोडिटीज, अब 6:30 बजे तक आप उसका इंटेंशन दे सकते हो। इवन आप वो इंटेंशंस को मॉडिफाई कर सकते हो, अगर आपको वो इंटेंशन आपने दिया है और आपको कैंसिल करना है तो आप वही ऑप्शन से उसको कैंसिल भी कर सकते हो। जो अपने कमोडिटीज है जो 9 o'clock तक ट्रेडिंग में है, उनका इंटेंशन टिल 9 आप दे सकते हो, 9 PM तक आप उसका इंटेंशन दे सकते हो। तो ये आपका इंटेंशन विंडो का टाइमिंग रहेगा। और एक बार इंटेंशन आ जाता है तो जो अलोकेशन होना है वो मतलब सेलर के प्रेफरेंस के सामने बायर रैंडम बेसिस पे अलोकेटेड हो जाएगा, मतलब जो भी ओपन ओआई रहेगा मार्केट का उस पर्टिकुलर कमोडिटी का, तो उसके बेसिस पे रैंडम बेसिस पे वो अलोकेट हो जाएगा। और ईओडी में आपको मतलब समझो मैंने 16 को अलोकेशन मैंने इंटेंशन मार किया, तो 16 को ही मुझे सारे फाइल्स मिल जाएंगे कि मेरा अलोकेट हुआ है या नहीं हुआ है, मुझे कितना पेन बनने वाला है T+2 को, वो सारा का सारा डिटेल्स आपको उसी दिन आपको 16 को मिल जाएगा। सो नीचे जो सेटलमेंट फ्लो है वहां पे आप अंडरस्टैंड कर सकते पूरा फ्लो कैसे जाएगा। हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं 16th डेट, अगर समझो मैंने 16 किया दैट इज माय टी डे, अलोकेशन डे होगा जिसका पेइंग पे आउट होगा T+2 दैट इज 16 प्लस 17 18, तो 18 को अपना पेइंग पे आउट होगा फंड एज वेल एज कमोडिटीज। देन जो डिफरेंशियल पेइंग पे आउट होता है, क्योंकि अपना जो भी ये अलोकेशंस वगैरह होगा वो आपका एब्सोल्यूट क्वांटिटी में रहेगा, लेकिन अब जब भी आप फिजिकल डिलीवरी में जाएंगे तभी आपका एक्चुअल क्वांटिटी आता है, तो वो जो भी डिफरेंस रहेगा आइदर आपका कमोडिटी प्रीमियम है या डिस्काउंट है, उसका जो भी सेटलमेंट रहेगा वो सेम डे होता है ऑन T+2। टाइमिंग्स में आपको नेक्स्ट स्लाइड्स में आपको बताऊंगा कि कौन से टाइमिंग्स है जहां पे आप होगा। एंड ऑन T+5 मतलब अलोकेशन से 5वें दिन आपका जीएसटी का सेटलमेंट होगा, फर्दर स्लाइड्स में इसके बारे में और डिटेल में थोड़ा डिस्कस करेंगे हम। नाउ पेइंग पे आउट, वंस मेरा अलोकेशन हो गया, अलोकेशन होने के बाद ऑन T+2 मुझे मेरा फर्स्ट फर्स्ट मैं कवर करता हूँ कमोडिटी पेइंग साइड, तो कमोडिटी का फर्स्ट 10:30 को हमारा रन होता है, तो 10:30 तक आपके सीएम के पूल अकाउंट में जो भी कमोडिटी का अलोकेशन हुआ है वो होना चाहिए, उसके पूल अकाउंट में पहले माल होना चाहिए।
जैसे 10:30 का फर्स्ट रन होगा वो आपका माल पेन मतलब आपके पेन के लिए लग जाएगा। ओके अब टू 12 PM आप पेन का टाइमिंग है कि वहां तलक में आपका कमोडिटी फिजिकल कमोडिटी का पेन वो टाइम तलक में हो जाना चाहिए। साइमल्टेनियसली फंड पेन के बारे में बात करेंगे तो फंड पेन का भी टाइम अप टू 12 PM का है। आपका 12 PM तलक आपका जो भी फंड ऑब्लिगेशन पेन ऑब्लिगेशन रहेगा डिलीवरी फंड पेन का वो आपका 12 PM तलक में आपको वो क्लियर करना है। देन पे आउट जनरली 1 PM के बाद से आपका पे आउट होता है कमोडिटी पे आउट फिजिकल पे आउट। और आपका जो फंड है फंड पे आउट का टाइमिंग है 3 PM और 3 PM के ही टाइम में जो आपका डिफरेंशियल मतलब ग्रेट डिफरेंशियल कहा जाए या फिर क्वांटिटी जो प्रीमियम डिस्काउंट है उसका जो है वो आपका पेन पे आउट जो है वो 3 बजे के रन में होगा 3 PM के रन में। तो आपके पे आउट के वक्त ही आपका ये भी सेटलमेंट हो जाएगा ऑन द T+2 डे सेम डे। जो पूरा का पूरा सेटलमेंट होगा वो CM पूल से ही होगा। सिर्फ मतलब अगर आप सेलर हो तो CM के पूल अकाउंट से बायर CM के पूल अकाउंट में कमोडिटी फ्लो होगा अप टू 12 सेलर के पूल से हमारे पूल में आएगा। और जब पे आउट होगा अराउंड 1:30 वो टाइम पे उस हम लोग जो रिस्पेक्टिव उसका काउंटर पार्टी रहेगा उसके पूल में दे देंगे CM के पूल में जाएगा। नाउ इट इज CM's रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उसको वो CM पूल से बायर्स के बेनिफिशियरी अकाउंट में ट्रांसफर करना है। ओके नाउ कमिंग टू द डिलीवरी डिफॉल्ट पार्ट। बायर डिफॉल्ट इज नॉट एट ऑल अलाउड। बायर अगर आप बायर हो और आपको अलोकेशन लग गया है तो आप डिफॉल्ट नहीं हो सकते। इन केस ऑफ सेलर अगर आपका देर आर वेरियस रीजंस के सेलर भी कभी कभी डिफॉल्ट हो सकते हैं तो सेलर्स अगर डिफॉल्ट होते हैं तो उनको 3% पेनल्टी लगता है। नाउ 3% पेनल्टी जो लगेगा दैट उसका उसका आपका जो डिलीवरी वैल्यू रहेगा उसके बेस पे 3% कैलकुलेट होगा प्लस सेलर को रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी पे करना होता है। नाउ हाउ वी कैलकुलेट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। रिप्लेसमेंट कॉस्ट में कैसा होता है T+2 जिस दिन अपना सेटलमेंट हुआ उस दिन से 5 दिन मतलब उसके बाद से 5 दिन आगे के जो लेटेस्ट स्पॉट प्राइस रहेंगे जो लास्ट अवेलेबल स्पॉट प्राइस रहेगा वो 5 स्पॉट प्राइस के हाईएस्ट 3 स्पॉट प्राइस उसका जो एवरेज रहेगा वो रिप्लेसमेंट प्राइस अकाउंट होगा। से फॉर एग्जाम्पल आपका 4100 है ऑन एक्सपायरी का दिन का प्राइस आपका कॉस्ट और 16 हम एग्जाम्पल लेते हैं कि 18 इज माई सेटलमेंट डेट। सो 19, 20, 21, 22, 23 ये 5 दिन के जो लेटेस्ट स्पॉट प्राइस रहेगा उसका उसमें से जो हाईएस्ट 3 प्राइस है से फॉर एग्जाम्पल उसका एवरेज आया अपना 4200। तो 100 रुपीज का जो डिफरेंस है 4100 जो मेरा सेटलमेंट प्राइस था वहां से और वो 4200 तो जो 100 रुपीज है दैट इज माई रिप्लेसमेंट कॉस्ट का प्राइस होगा। ओके अभी अगर समझो मेरा एवरेज प्राइस मेरा 4100 से कम आता है तो मेरा वहां पे कोई रिप्लेसमेंट कॉस्ट नहीं जनरेट होगा। अगर वो कम होता है तो अगर हायर है तो ही आपको रिप्लेसमेंट कॉस्ट आएगा और उसका भी इंफॉर्मेशन आपको क्लियरिंग हाउस के पास से फाइल में मिल जाता है ऑन सेटलमेंट से 5वें दिन पे ईओडी में आपको मिल जाएगा उसका डिटेल्स। नाउ इन सम सिनेरियोस अगर आपने समझो इंटेंशन दिया है और आप डिफॉल्ट कर जाते हो ड्यूरिंग स्टेगर पीरियड या फिर ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी आपने इंटेंशन देने के बाद अगर आप डिफॉल्ट करते हो तो आपको एडिशनल 3% आपको पेनल्टी लगता है जो नॉर्मल डिफॉल्ट से है मतलब उसके अलावा एडिशनल बिकॉज इंटेंशनली डिफॉल्ट काउंट किया जाता है तो उस पर 3% पेनल्टी लगता है। इसके और एक एग्जाम्पल मैं ऐसे ले सकता हूँ कि समझो आपने इंटेंशन नहीं दिया लेकिन आपके किसी और लोकेशन में माल पड़ा है और आपने उसको सेटल नहीं किया तब भी उसको कंसिडर किया जाएगा कि दैट इज माई इंटेंशनल डिफॉल्ट कि मेरे पास दिशा का मुझे डिलीवरी लगा बेस लोकेशन के हिसाब से और मेरा माल समझो पटन पे है तो वो नहीं एक्सेप्ट होगा दैट इज ऑल्सो इंटेंशनल डिफॉल्ट। अगर आपके पास वहां पतन का माल है तो आप पतन का इंटेंशन देना है आपको कि मुझे वहां से डिलीवरी करना है करके अगर वो मिस हो गया तो उसमें फिर हम कुछ नहीं कर सकते उसको फिर डिफॉल्ट ही काउंट किया जाएगा और एडिशनल 3% पेनल्टी वहां पे चार्ज किया जाएगा।
नाउ जीएसटी से रिलेटेड, जीएसटी में कैसा है, टी प्लस फाइव को हमने एक फैसिलिटी दिया है मेंबर्स को कि अगर आपको जीएसटी का जो भी सेटलमेंट है वो एक्सचेंज के थ्रू कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने कोई स्पेसिफिकेशन नहीं बताया कि कितना जीएसटी या जो कुछ भी अमाउंट है वो टोटली कैलकुलेशन मेंबर के हैंड पे है। हमने सिर्फ उसका पेन पे आउट जो है उसका एक फैसिलिटी दिया है जो टी प्लस फाइव को होता है। जो भी सेलर और बायर पार्टिसिपेट करता है फिजिकल डिलीवरी में, तो जो पर्टिकुलर लोकेशन से वो कर रहा है वहां का उनका जीएसटी नंबर होना कंपलसरी है पार्टिसिपेट करते वक्त। और उसके अलावा और जो भी फर्दर मॉडिफिकेशंस रहेंगे अकॉर्डिंग टू जीएसटी एक्ट जो भी रहेगा उसके हिसाब से वो चेंजेस होते रहेगा। ओके, नाउ जीएसटी के लिए कैसे होगा, मेरा टी प्लस टू को सेटलमेंट हो गया, ओके तो टी प्लस टू के टाइम से लेके टी प्लस थ्री तक बायर को मतलब डिटेल्स फिल करने के लिए रहेगा कि उसको एजेंट जो देना है, कौन से एजेंट को असाइन करना है, कितना क्वांटिटी असाइन करना है, एनसीएफई के पोर्टल के थ्रू वो अपना डिटेल्स देगा। टी प्लस फोर के 3 बजे तक, 3 PM तक, 3 PM के बाद वो विंडो बायर के लिए क्लोज हो जाएगा एंड देन वो सेलर के लिए ओपन होगा टिल टी प्लस फोर 3 PM तक। तो वो पीरियड में सेलर अपना जो भी बायर ने दिया है एजेंट मतलब बाइफर्केशन जो दिया है उसके हिसाब से उनका जो भी जीएसटी बन रहा है तो वो उनको वहां पे इनपुट देना है। एक्सचेंज कहीं पे भी क्रॉस वेरीफाई नहीं करेगा कि आपने जो जीएसटी दिया है वो करेक्ट है या क्या है। आप जो वहां पे जीएसटी अमाउंट डालोगे उसी का पेन पे आउट आगे जाके आपका टी प्लस फाइव को होगा उस हिसाब से। देन ये आफ्टर ये आपका ये जीएसटी पेन पे आउट होगा ऑन टी प्लस फाइव आपका 10:30 में होगा आपका ये सेटलमेंट सेकेंड बैंक रन में। ओके, नाउ डिलीवरी वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे जीएसटी कैलकुलेशन के लिए। सो डिलीवर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय योर फाइनल सेटलमेंट प्राइस एफएसपी जो भी रहेगा प्लस और माइनस आपका जो भी लोकेशन है उस लोकेशन पे अगर कोई प्रीमियम या डिस्काउंट अगर आपका बन रहा है तो वो आपका प्लस माइनस आपको जो भी रहेगा वो करके आपको फिर उसका डिलीवरी वैल्यू निकालना रहेगा। आपको एनसीडीएस के वेबसाइट पे भी डिटेल्स मिल जाएगा कि कौन से लोकेशन में कितना प्रीमियम है या डिस्काउंट है और इवन आपको प्रोडक्ट नोट में भी मिल जाएगा उसका डिटेल्स। सो बेसिकली टी प्लस फाइव को आपका जीएसटी का सेटलमेंट हो जाएगा। नाउ कमिंग टू द ऑप्शन, यहां तलक में अपना फ्यूचर्स का जो फिजिकल सेटलमेंट का है प्रोसीजर वो कंप्लीट होता है। नाउ कमिंग टू द ऑप्शंस, आई एज्यूम कि आपका ऑप्शन प्रोडक्ट का अंडरस्टैंडिंग है और उसके बेस पे मैं आपको सेटलमेंट अभी बता रहा हूँ कि ऑप्शंस में कैसे होता है। ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी ऑप्शंस में इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, CTM, क्लोज टू द मनी और एट द मनी ATM, ये 4 कैटेगरीज में आपका आपको इंटेंशन देना होता है कि मेरा ऑप्शन जो है एक्सपायरी के बाद डिवोल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में करना है या नहीं। मैं एक एग्जांपल के साथ आपको बताता हूँ कि समझो मेरा 4100 के स्ट्राइक का मेरा ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है और उसको अगर मुझे डिवोल करना है, ओके इसमें जो डीएसपी जो कैलकुलेट होता है सेटलमेंट प्राइस के लिए दैट इज माय अंडरलाइन फ्यूचर का जो डेली सेटलमेंट प्राइस रहेगा उसको कंसीडर करके मेरा इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, क्लोज टू द मनी और एट द मनी कैलकुलेशन होता है। तो वो जो है वो अगर 4000 का अगर मेरा प्राइस आया है तो उसके हिसाब से मेरा इन द मनी है आउट ऑफ द मनी है वो डिसाइड करने के बाद मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे इसको डिवोल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में करना है या नहीं करना है। और अगर डिवोल करना है तो मैं कैसे करूंगा, एनसीएफई के पोर्टल से अगेन इंटेंशन दूंगा। अगर आपका प्योरली इन द मनी बन रहा है स्ट्राइक और आपका पोजीशन तो उसके लिए आपका बाय डिफॉल्ट अगर आप इंटेंशन नहीं भी दोगे तभी भी आपका वो फ्यूचर में डिवोल हो जाएगा पोजीशन। अगर आपको उसमें इंटेंशन नहीं लेना है कि मेरा इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट है बट मुझे उसको फ्यूचर में डिवोल नहीं कराना है तो आप इंटेंशन देना रहेगा कि मुझे उसको एन फ्लैग के साथ कि मुझे उसको फ्यूचर में डिवोल नहीं कराना है। से फॉर एग्जाम्पल आपका 100 क्वांटिटी का आपका लॉन्ग फ्यूचर, आप लॉन्ग कॉल पकड़ लो या फिर आपका लॉन्ग पुट पकड़ लो आपका ये है और आपको उसको इन द मनी में नहीं जाने देना है
मतलब आपको डिवोल नहीं करना है, तो मैं क्या करूंगा, एनसीएफई में जाऊंगा, वहां पे इंटेंशन ऑप्शन इंटेंशन में मैं वहां पे डाल दूंगा कि 100 में से मुझे 30 क्वांटिटी मुझे डिवोल नहीं करना है करके। तो जो 30 क्वांटिटी रहेगा वो मेरा डिवोल नहीं होगा, बट रिमेनिंग 70 क्वांटिटी है वो मेरा फ्यूचर में डिवोल हो जाएगा, उस हिसाब से होगा। नाउ इन द मनी हो गया, आउट ऑफ द मनी जो कॉन्ट्रैक्ट रहेंगे उसमें आपको कोई भी इंटेंशंस देना नहीं होगा, वो बाय डिफॉल्ट आपके वर्थलेस चले जाएंगे, आउट ऑफ द मनी के लिए डिवॉल्वमेंट का ऑप्शन नहीं है। नाउ एट द मनी होगा, एट द मनी क्लोज टू द मनी, क्लोज टू द मनी हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे, से फॉर एग्जांपल आपका 4000 का आपका डीएसपी निकला फ्यूचर का, और स्ट्राइक पे अगर समझो 4000 का ही है, तो 4000 इज माय एट द मनी, टू स्ट्राइक्स अबव एंड टू स्ट्राइक्स बिलो इज कंसिडर एज अ क्लोज टू द मनी। मतलब कैसे रहेगा, 4000 अगर 50 का इंटरवल है तो 4050 4100 इज अब दो हो गए सीटीएम, एंड सिमिलरली बिलो 3950 एंड 3900 वो मेरे सीटीएम स्ट्राइक्स होंगे। फिर वो कॉल और पुट के हिसाब से आप वो इन द मनी क्लोज आईटीएम सीटीएम है या फिर ओटीएम सीटीएम है वो कंसिडर होगा उस हिसाब से। तो CTM के केस में हमको बताना रहेगा कि भाई CTM है लेकिन मैं फ्यूचर में उसको डिवोल्व करना चाहता हूँ, तो अगेन आप NCFE में जाओगे, वहां से आप आपका इंटेंशन का दोगे कि मेरा CTM का कॉन्ट्रैक्ट है, मेरा से फॉर एग्जांपल 100 का क्वांटिटी है, तो मैं 100 का 100 पूरा क्वांटिटी डिवोल्व करना चाहता हूँ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में, तो वहां पे आपको इंटेंशन देना रहेगा। अगर आप पार्शियल देना चाहते हो तो आप पार्शियल भी दे सकते हो कि 100 में से मैं सिर्फ 50 को फ्यूचर में डिवोल्व करना चाहता हूँ, 50 को मैं वर्थलेस जाने देना चाहता हूँ, जिसका मुझे कोई मतलब डिवॉल्वमेंट नहीं चाहिए, तो वो चीज भी आप कर सकते हो। अगर आपने इंटेंशन नहीं दिया सो इट इज कंसिडर एज अ वर्थलेस, कि मतलब आपको वो डिवॉल्व करना ही नहीं है, उस हिसाब से वो आपका वर्थलेस चला जाएगा। अगेन आपका डिवॉल्वमेंट हो गया, उसका भी आपको जो है डिटेल्स उसी दिन ईओडी में आपको ऑब्लिगेशन के फाइल्स चले जाते हैं, और उसका जो अपना डीएसपी जो डेली सेटलमेंट प्राइस रहेगा और स्ट्राइक प्राइस रहेगा उसका जो डिफरेंस आपका रहेगा, दैट इज मार्क टू मार्केट के हिसाब से आपका वो टी प्लस वन को, मतलब ई प्लस वन या टी प्लस वन, टी मीन्स आपका जिस दिन आपका इंटेंशन दिया वहां से नेक्स्ट डेट और एक्सपायरी से नेक्स्ट डे, वहां पे आपका वो पेइंग पे आउट में वो जो है अमाउंट सेटल हो जाएगा। सो इस तरीके से अपना ऑप्शन का सेटलमेंट होता है। सो दिस इज बेसिकली कवर्स आपका फ्यूचर सेटलमेंट एज वेल एज ऑप्शन सेटलमेंट।